गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने हिंदी में ही अपने विचार रखूंगा क्योंकि सबके लाभार्थ के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है अपने अपने ही फील्ड से जिसमें मैं काम करता हूं, जिसमें मुझे अनुभव है, उसी पर मैं कुछ आपके सामने रखूंगा तथ्य। तो आज का जो है ये विषय है अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है ये एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इसमें भूमिका मुख्य है और ज़्यादातर जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसमें इस्तेमाल होता है, जो कि सरकारी जो संगठन है वो ही इसका इंतजाम करते हैं और कभी कभी ये पीपीपी मोड में भी, दैट इज प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी इसका एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी खर्च आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है और उतना खर्च नॉर्मली जो है वो कोई प्राइवेट एजेंसी इतना खर्च उठाना नहीं चाहती है। सरकार के लिए सुविधाजनक इसलिए होता है कि या तो उनके पास जो खुद का पैसा है वो, या फिर लोन लेकर के जो ये इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनसे लोन लेकर के वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है और लोन जो है वो काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट में मिल जाता है और उसका रकम चुकाने का जो समय होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आने तक जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं। शुरू का जो इन्वेस्टमेंट होता है शुरू में प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन बाद में एक समय के बाद वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधा इस बात की है, इसी के बारे में अभी क्यों होता है क्या होता है इसी की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नज़र डालनी होगी। तो पहले जैसा आप जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले यातायात के साधन बिल्कुल दूसरी तरह के थे, मैकेनाइज्ड साधन नहीं था, जो भी था वो जिसमें एनिमल्स का प्रयोग होता था या इस तरह का। लेकिन जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आईं, जिसमें कि रेलगाड़ियाँ आईं और स्टीम इंजन से ही चलने वाले कुछ रोड व्हीकल्स भी बने और मेनली माइंस वगैरह में भी इनका बहुत ज़्यादा काम हुआ, नीचे से सामान ऊपर उठा के लाने में, लाने ले जाने में, इस तरह का बहुत सा कार्य उसमें जो है स्टीम इंजन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पहले जो कि घोड़े से उसको खींच करके ऊपर उठाते थे, इस तरह ये सारा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में उस समय वैसा माहौल नहीं था, तो वो उसने वो लोग बाजी मार गए और उन्हीं लोगों के मार्केट के विस्तार के लिए हम लोगों के यहाँ कॉलोनाइजेशन वगैरह हुआ। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा ये हुआ कि हमें भी मॉडर्न एजुकेशन का और जानकारी साइंस का लाभ मिला, हालांकि उन्होंने हमें काफ़ी हमारा दोहन किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ जो है वो अच्छा भी रहा क्योंकि आज के बदले हुए माहौल में, आधुनिक माहौल में हमें आने का मौका मिला। हम पुराने ट्रेडिशनल वे में ही चल रहे थे, तो साइंस का इतना ज़्यादा विकास हुआ है और उसके साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो आज के आधुनिक युग की देन है। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ में होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी चीज़ें ही टिकती हैं, बुरी चीज़ें धीरे धीरे निकलती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो सड़क पे जो यातायात है तो उसमें मैकेनाइजेशन का जब सिलसिला चालू हुआ तो पहले तो स्टीम इंजन का था, स्टीम इंजन के लिए पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी हो सकती है, तो रेलगाड़ियाँ और ढोने के लिए जो है सामान ढोने के लिए रेलगाड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हुआ। लेकिन इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, डोर टू डोर डिलीवरी वगैरह ये सब टाइप की चीज़ें नहीं थी, तो कुछ ऐसा भी मतलब ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत थी जो कि इस कमी को पूरा कर सके। तो इसीलिए उसमें जो है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का आविष्कार हुआ।
और डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में भी फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक का आविष्कार, पेट्रोल इंजन में खास करके टू स्ट्रोक का आविष्कार जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, तो उसके अलग अलग साइकिल्स थे, जैसे कार्नोट साइकिल पहले आया स्टीम इंजन के लिए, उसके बाद डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल आया। तो इस तरह से अलग अलग मशीन्स के लिए अलग तरह के थर्मोडाइनिक प्रिंसिपल्स की इजाद हुई, उसमें लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वगैरह आए और उसके हिसाब से इन चीज़ों का विकास हुआ। पहले जो है गाड़ियाँ जो बनी, जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ या उस तरह से, तो पेट्रोलियम का आविष्कार होने के बाद ही ये चीज़ें सामने आई, क्योंकि पेट्रोलियम पहले था नहीं। तो कोल जो है वो भी जो पेड़ पौधे, बहुत पुराने जो पेड़ पौधे थे वो धरती में जब अंदर नीचे समा गए तो वहाँ पे उच्च दबाव और ताप की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए और उसको भी नीचे से ही माइन से ही निकाला गया। वो फॉसिल फ्यूल उसको भी कहा जाएगा, लेकिन वो प्लांट फॉसिल फ्यूल हुआ। और उसी तरह से जो एनिमल फॉसिल्स भी बाद में पाया गया कि उनसे भी हाइड्रोकार्बन्स जो है वो भी निकाले गए और उसका जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उससे जो है वो गैसोलीन और पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें निकली। और उसके साथ साथ और भी कई बाई प्रोडक्ट्स निकले, तो उनका इस्तेमाल जो है मार्केट में धड़ल्ले से होने लगा। जैसे ग्रीज है, ग्रीज जो है वो भी बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। पहले ग्रीज नहीं होता था, ग्रीज की जगह पे पहले वो जो आप ये बोलते हैं जिसको कि आजकल कैनोला ऑयल बोलते हैं ना, तो वो ये सारे कंट्रीज में कनाडा वगैरह में सब में पहले उसका उत्पादन जो होता था दैट यूज टू बी फॉर मेकिंग the equivalent of grease from plant products. लेकिन जब से पेट्रोलियम का वो बाय प्रोडक्ट आया, वो इतना सस्ता और इतना बढ़िया निकला कि वो उसकी इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई। तो इसीलिए उन्होंने उसका जेनेटिक उसका मॉडिफिकेशन करके और उसको जो है कैनोला ऑयल तेल बनाया, जो कि अभी जो है काफ़ी मार्केट में उसका इस्तेमाल रिफाइंड ऑयल में किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो अब जैसे पहले जो कार्स जो बनाए जाते थे, तो पहली कार जो बनी थी उस पर एक लेडी सवार होकर के ले जा रही थी, तो पूरे गांव वाले जो है उसको विच जैसा समझ रहे थे कि ये कोई वो डायन टाइप की है, इसने कैसे ये इसको लिए हुए चले जा रही है सड़क पे। तो इस तरह की जो स्थिति उस समय होती थी नहीं नहीं, लेकिन बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसमें सुधार भी हुआ और काफ़ी काफ़ी उसमें बदलाव आया। और ये जो पहले जो भी वो कार्स बनते थे सड़क पे चलने वाले, तो उसमें जो इंजन बनता था वो इंडिविजुअली हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग बनता था। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती थी और वो स्किल्ड मैन पावर काफ़ी दुर्लभ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। एरिस्टोक्रेट्स ही उसको अफोर्ड कर पाते थे, ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो और एक जो इंजन बनता था वो दूसरे इंजन से बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो इस तरह से ये क्रम, उसके बाद न्यूमेटिक टायर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सॉलिड टायर में उतने ज़्यादा स्पीड, सॉलिड व्हील में उतने ज़्यादा स्पीड में जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल मूवमेंट होता था ऑन द रोड्स, क्योंकि रोड्स की जो सरफेस है वो उतना स्मूथ हो नहीं सकता जितना कि एक रेल का टेबल का स्मूथ होता है। तो और वहाँ पर आप जो है वो ट्रैक ज्योमेट्री को, पैरामीटर्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आम सड़क में संभव नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर के झटके लगते थे, तो इसीलिए न्यूमेटिक टायर और सस्पेंशन सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया, तब जा करके जर्नी कंफर्टेबल बनी। उसके बाद जो ये इंडिविजुअल कार्स होते थे, तो चूंकि ये हर कार दूसरे से डिफरेंट होती थी, तो इसीलिए जब कोई पार्ट इसका टूटता था या कुछ होता था, तो फिर वो मेड टू ऑर्डर करना पड़ता था। इन सारी चीज़ों में काफ़ी तकलीफ होती थी। तो उसके बाद जो है ये जो फोर्ड है, इसने इसको
एक संकल्प लिया कि इसको मैं, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, तो उसने संकल्प लिया कि इसको मैं ऐसा इसमें परिवर्तन करूंगा इसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कि ये हमारी फैक्ट्री के ही कई लोग जो है उसके मतलब वो खुद उसको ओन कर पाए, इतना मैं उसको करूंगा, डेवलप करूंगा और इतना सस्ता बनाऊंगा। तो इसी के क्रम में ही ये मैस प्रोडक्शन का की इजाद उसने की, जिसमें कि एक असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन में जो है डिफरेंट ट्रेंड पर्सन जो है वो स्किल, सबको हाई स्किल की जरूरत नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में उसको सिर्फ उतना ही ट्रेन कर दें जितना काम उसको करना है और उसको वो बखूबी करे, और वो असेंबली लाइन में वो अपना काम पूरा करने के बाद वो आगे बढ़ जाए, फिर जो दूसरा ट्रेन स्किल लेवर है वो उस पर काम करे। तो इसके चलते जो है वो ज़्यादा जो स्किल्ड लोगों की कमी थी वो भी कमी दूर हो गई, ज़्यादा लोग उपलब्ध हो गए अलग अलग कार्य करने के लिए ट्रेंड होकर के, और प्लस उनका जो है उस पर खर्च भी ज़्यादा नहीं आता था, क्योंकि वो जो हाईली स्किल्ड पहले होते थे लोग, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत कॉस्टली होते थे, तो यहाँ पर कम सस्ते में ज़्यादा लोग काम करने के लिए उपलब्ध हो गए और रोजगार भी ज़्यादा लोगों को मिला और प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया। तो इसके लिए एक चीज़ उन्होंने ये भी की कि स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर कंपोनेंट का, एक एक पार्ट का, हर चीज़ की ड्राइंग डेवलप होगी और उसको जो है वहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन वो सारे उसी स्टैंडर्ड के मैन्युफैक्चर होंगे। तो जैसे एक नट बोल्ट वगैरह जो भी है वो चाहे इस कार में लगे, चाहे उस कार में लगे, चाहे कहीं लगे, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो उसी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉडल में कुछ है तो दूसरे मॉडल में तो उससे एकदम टोटली डिफरेंट हो जाएगा, और जो एक मॉडल के अंदर भी जो यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स में एग्जैक्टली सेम ड्राइंग से मैन्युफैक्चरिंग होगा, और उसमें डायमेंशनल टॉलरेंस वगैरह डिफाइन किया गया कि इसके अंदर में ही सारा बनेगा, तो कि उसमें कोई, और साथ ही साथ जो सारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सारे तरह के मशीन्स और लेथ मशीन और हर तरह की चीज़ें आई, तो उसकी वजह से जो है वो जो, और उसमें जो साइंस का भी जो विकास हुआ, इन सब की वजह से जो टूल्स थे वो सारे इम्प्रूव्ड होते गए, एक्यूरेसी चीज़ों की बढ़ती गई, और इस तरह से डायमेंशनल टॉलरेंसेस वगैरह बहुत अच्छे होने लगे, और इसकी वजह से एक कार और दूसरे कार में एक मॉड्यूल में कोई अंतर नहीं है, आप इसका मटेरियल उठा के उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, ये जो कार्स हैं हो तो गई बहुत सस्ती, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उसमें इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में और होता गया तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ती गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार ओन करने लगे। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम ये हुआ कि जो शहर थे और जो उनकी रोड्स की प्लानिंग थी वो सारा कुछ इतने ज़्यादा हेवी रोड ट्रैफिक के लिए इसकी प्लानिंग नहीं थी, तो एक सैचुरेशन लेवल जो है वो बड़े बड़े शहरों में विश्व के वो पहुंचना शुरू हो गया, और वो सिलसिला जो है पहले सबसे ज़्यादा डेवलप जो सिटीज़ थी वहाँ पर हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे वो चीज़ समस्याएं और आगे भी फैलती गई। तो इससे क्या हुआ कि ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। दूसरी चीज़ की जो फॉसिल फ्यूल है, ये इससे ऊर्जा तो बहुत मिलती है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके साथ जो जो कुछ गैसेस जो एमिट होते हैं वो गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए, इनको पाया गया कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि जो इनको एक तो कैटेगरी जो है जिनको डिफाइन किया गया, जिसको बोला गया ग्रीन गैस, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो नॉट ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाले गैसेस, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी चीज़ें जो है, तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो रेडिएट, जो रात के वक्त जो हीट रेडिएट जो अर्थ करती थी और वो बाहर चला जाता था, उसके लिए इसने एक ग्रीन हाउस का इफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो हीट, इट कैन नॉट गो आउट। तो जो रेडिएशन दिन भर इस पे पड़ता है अर्थ पे, उससे जो टेम्परेचर अर्थ का राइज करता है, वो रात के वक्त में बाहर, मतलब जो टेम्परेचर
सन के एब्सेंस में तो जो और बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे या हमारा मून है जो सैटेलाइट है, ये सब उन एरियाज में ये रेडिएशन अर्थ का जाया करता था। कायदे से रेडिएशन हर समय चलता रहता है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, जो भी बॉडी होती है वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से हमेशा रेडिएट करती है। लेकिन होता यह है कि जिस समय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा रेडिएशन कर रहा है, वो आपके पास अर्थ पर पहुंच रहा है, और अर्थ जो रेडिएशन कर रही है वो कम है, तो जो नेट इफेक्ट ये है कि अर्थ वो वार्म होगा। लेकिन इसका उल्टा रात के समय में होता था कि उसमें जो है जो अर्थ वार्म रहता था तो ये जो रेडिएट करता था, और जो बाकी जगहों से रेडिएशन आता था, तो चूंकि सन से रेडिएशन नहीं आ रहा होता था जो मेजर सोर्स था, तो जो बैलेंस ये होता था कि जो अर्थ का जो रेडिएशन है वो ज्यादा होता था, और इसकी वजह से अर्थ कूल डाउन कर जाता। अब ये गैस जो ग्रीन गैस है, इसकी वजह से पूरा वातावरण जो है हमारा, ये इसमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, और ये जो है थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ने से इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरी चीज है कि जो ग्रीन गैस को बैलेंस करने के लिए जो नेचुरल हमारे पास संसाधन थे, जो प्रकृति ने दिए हुए थे, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जैसे पेड़ है, सारे पेड़ कटने शुरू हुए, क्योंकि जैसे ही सभ्यता बढ़ती गई तो वैसे वैसे लोग जो है वो पेड़ों को काट के जंगल से वहां पर अब हाउसेस बनाने लगे। कुछ जो है उसका हाउसेस बनाने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए वुड का इस्तेमाल करने लगे, और ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि ये प्रकृति का जो एक संतुलन है, इसको बिगाड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है सब तरह। तो इस तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, चाहे वो प्लांट के ओरिजिन से आए, चाहे वो एनिमल्स के ओरिजिन से आए, इन सबको जो है ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो जो गैस एमिट करते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और भी कुछ गैसेस हैं जो कि ओजोन लेयर में फिर वो रोल करते हैं। अब ओजोन लेयर जो है वो एक ऐसा लेयर है जो कि ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ओजोन, तो वो ओजोन O3 होता है इसका मॉलिक्यूल, तो वो थोड़ा सा केमिकली ज़्यादा एक्टिव होता है। तो केमिकली एक्टिव होने की वजह से उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है हमारे पृथ्वी पर, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका बहुत रोल है, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ या हमारे बॉडी में विटामिन डी का जो बनता है, वो सब अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आता है। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट रेज जितना डायरेक्ट आ जाए अर्थ पे, तो सारे लोग एकदम फ्राइड अप हो जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं, कोई जिंदगी नहीं बचेगी। इसीलिए जो ओजोन लेयर है ये हमारा प्रोटेक्शन, एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करता है, और उतना ही अल्ट्रावायलेट रेज आने देता है धरती पे, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है और उसकी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जो बेतहाशा जो हमने एक्टिविटीज़ शुरू की और उसकी आदत भी लोगों को लग गई, और लोग बेईमानी करके और जो सरकारी तंत्र है उसका नाजायज फ़ायदा उठा के घूस दे के, और इस तरह के तमाम इंडस्ट्रीज और ये सब अपने छोटे से फ़ायदे के लिए जंगलों को बेतहाशा काटना और हर तरह का ऐसा कार्य करना क्षणिक लाभ के लिए, जिससे कि वो मतलब पूरा पर्यावरण जो है वो संतुलन उसका बिगाड़ रहे हैं, और इसका एक बहुत ज़्यादा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा आगे। तो इसीलिए जो लोग इसके प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है विश्व में, तो उसका एक ये भी है कि भाई ये जो फॉसिल फ्यूल है इसका कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, और इसकी इसके लिए बहुत तरह के मतलब उपाय किए जा रहे हैं, और उसमें आप लोगों को पता ही होगा, उसमें ज़्यादा विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे जो टॉपिक है उस पर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। तो इसी का एक इसी दिशा में एक प्रयास है कि जितने ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनकी संख्या कम की जाए, लोग जो है उनको एनकरेज किया जाए कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और उसी से ये अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो ये कंसेप्ट है उसी से गाइडेड हो रहा है, उसी से गवर्न हो रहा है। तो जो चीज़ कहने का मतलब, पुराने ज़माने में आप घोड़े की गाड़ी
या मैनुअली ड्रिवन गाड़ी, हाँ ये सारी चीजें इस्तेमाल करते थे, तो उसकी जगह पे अभी इंडिविजुअली आप करते थे या छोटे छोटे मतलब टैक्सी टाइपनुमा चीजें होती थी, तो उसकी जगह अभी हम काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को कैरी करें और उसमें इतनी सुविधाएं दें कि जो धनी आदमी है वो भी उसको प्रेफर करे रादर देन यूजिंग हिज ओन कार। क्योंकि वो कार अगर इस्तेमाल करेगा तो एक तो इसकी क्या क्या खामियां होंगी, एक तो उसको समय ज्यादा लगेगा अपना जो भी बिजनेस सेंटर्स हैं जहाँ वहाँ जाने में उसको एक बहुत ज्यादा समय अपना बेकार करना पड़ेगा, जिसके चलते उसका समय कीमती है तो वो समय का सदुपयोग जो कर सकता है अच्छे काम के लिए प्रोडक्टिव काम के लिए वो नहीं कर पाएगा, तो एक तो ये उस मामले में एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये ट्रैफिक जाम में जो आप लगे रहते हैं तो जब अनमैनेजेबल हो जाता है तो आपके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जैसे राउंड अबाउट किसी चौराहे पर राउंड अबाउट बनाना या फिर सिग्नल्ड क्रॉसिंग करना, ये अलग अलग उसके उपाय हैं, या फिर फ्लाई ओवर्स कंस्ट्रक्ट करना, तो ये सारी चीजें करके कोशिश की जाती हैं, लेकिन इससे समस्या वास्तव में हल होती नहीं है क्योंकि संख्या जो है व्हीकल्स की अगर बढ़ती जा रही है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि मास ट्रांजिट सिस्टम को तेजी से बढ़ाया जाए। तो पैसे जैसे पहले बसें वगैरह चलती थी, बसें जो होती थी वो बहुत साधारण तरह की होती थी और गरीब लोग ही इसमें ज्यादा चलते थे, तो मध्यम वर्ग वाले भी, उच्च मध्यम वर्ग वाले या धनी लोग जो है वो फिर भी प्रेफर करते थे कि अपनी गाड़ी से जाए। तो इस आदत पर कैसे अंकुश लगाया जाए ताकि लोग जो है अब जो 2 घंटे अगर आपको लग रहे हैं आधा घंटे की जगह, तो ये जो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा इसकी वजह से जो फ्यूल का भी आपने कंजम्पशन ज्यादा किया और उस फ्यूल के कंजम्पशन से आपका पर्यावरण भी दूषित हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि व्हीकल में जो कंजम्पशन है वो सिर्फ आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, क्योंकि जो कंबशन है वो कितना एफिशिएंट है वो डिपेंड करता है गाड़ी की कैसी स्थिति है और कितना कैसा उसका मेंटेनेंस है, इन सारी चीजों पे। इसीलिए आजकल ये बहुत ही स्टैट्यूटरी नॉर्म्स जो है लेड डाउन है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को ही ध्यान में रखते हुए, और आपको जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते रहना पड़ता है जो कि सर्टेन टाइम के लिए वैलिड होता है, और गाड़ियों का भी एक खास मतलब ईयर्स के बाद उसका यूज बैन भी करना शुरू किया गया है। और यही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करने के लिए कुछ देशों में जैसे सिंगापुर वगैरह में आप देखें तो एक आदमी को एक अपना प्राइवेट कार ओन करना बहुत महंगा पड़ता है और उनको कई तरह के टैक्सेस वगैरह जो है उसमें लिए जाते हैं, पार्किंग के भी चार्जेस बहुत हेवी होते हैं, और इन सारी चीज़ों को क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ पार्किंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जो है मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जहां पहुंचते हैं तो वहां पे अगर सारे लोग वहीं पहुंच रहे हैं अपनी कार से तो उस कार को रखेंगे कहाँ पार्किंग की, और लोग बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए पार्किंग की समस्या एक बहुत भयानक समस्या थी। उसके लिए भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई लेकिन उसके बाद भी वो संभव तो है नहीं इतना ज़्यादा अगर ग्रोथ हो ट्रैफिक का, तो ये भी एक पार्किंग की समस्या थी। दूसरी चीज़ कि पहले जो बड़े बड़े शहर होते थे उसमें जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जहाँ पर कि मुख्य कार होते थे वो बड़े लिमिटेड होते थे, वहीं पर जैसे एक तरह का बिजनेस जो है या एक तरह का सेंटर वो एक ही जगह पर होगा, लेकिन अब जो है वो सिटी का इसीलिए अब जो विकास हो रहा है वो मल्टी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला कंसेप्ट आ रहा है और उसकी कनेक्टिविटी और वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले लोगों का जो रेजिडेंस हो उसके पास ही हो, इस तरह करके सिटी की प्लानिंग की जा रही है, जो कि एक्सपैंड हो रहा है सिटी जो भी एक्सपैंड हो रही है वो इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो डोर टू डोर सर्विस टाइप का अरेंजमेंट हो कि मतलब हमारा जो है पुराना जो बेनिफिट था कि कार से यही था ना कि भाई आप कार पर अपना बैठे हो घर से ही निकल गए, तो ये इस चीज को भी कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारा जो सारी स्ट्रेटजीज जो हैं और इनको जो है हम बिना ज्यादा व्हीकल्स के इस्तेमाल के कैसे कर सकते हैं इस पे फोकस आजकल है। तो इसी दिशा में जैसे जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रैपिड इसीलिए कि गति ज्यादा होगी और उनके लिए डेडिकेटेड ट्रैक होगा, इसलिए गति और बढ़ जाएगी। तो इस कैटेगरी में जो आती हैं, मतलब जो जो ट्रैफिक इस कैटेगरी में आते हैं, तो जो जो भी मतलब इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो वो सिस्टम जो है उसमें एक बहुत बड़ा आपने सुना ही होगा, हर जगह इंडिया में इसको फॉलो किया जा रहा है, और वो है मेट्रो, जिसको बोलते हैं मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे। तो ये जो मेट्रो रेलवे है ये एक रेलवे का ही विकसित रूप है, और इसको जो डेवलप किया गया है वो बहुत कम दूरी पर, जो अगर आपका पड़ाव हो तो उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो जैसे एक एक किलोमीटर के दायरे में ही आपका स्टेशन एक से दूसरा होगा, क्योंकि तभी तो लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी अपनी जगहों पर जाने के लिए, जहाँ जिनको जाना है। तो अगर उससे ज़्यादा दूर अगर हम रखें डिस्टेंस, तो फिर वो काम का नहीं होगा, शहर के अंदर जो चलना है लोगों। तो इसके लिए जो अगर आप एक एक किलोमीटर पर कोई चीज़ ऐसी बनाना चाहते हैं, सवारी जो कि एक एक किलोमीटर पर रुके और तेज भी चले, तो उसके लिए आपकी डिज़ाइन अलग होनी चाहिए। क्या डिज़ाइन होनी चाहिए? क्विक एक्सेलरेशन एंड क्विक डिसेलरेशन। कहने का मतलब, अगर आप नॉर्मल रेलगाड़ी लें तो वो नॉर्मल रेलगाड़ी जो है वो बहुत बड़ा बोझ लेकर के चलती है, उसका फायदा ये है कि वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकती है। यहाँ पर हमें एट ए टाइम बहुत ज़्यादा लोड कैरी नहीं करना है, मैक्सिमम से 8 कार्स जो हैं वो होती हैं एक इसमें, और पहले का जो सिस्टम था वो इंजन बिल्कुल अलग होता था, बाकी जो कोचेज उसके साथ में अटैच होते थे पीछे, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं रहता है। यहाँ पर ड्राइविंग यूनिट्स होते हैं दोनों तरफ, और बीच के जो कोचेज होते हैं वो उसमें ड्राइविंग यूनिट्स नहीं होते हैं, और इससे जो है वो आगे पीछे वो दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में वो चल सकता है। पटरियाँ उसी तरह की हैं जैसे हमारे रेलवे में होती थी। स्पीड हो सकता है कि रेल में ज़्यादा ही स्पीड हो, यहाँ पर तो उतना एक एक किलोमीटर में जाना है तो आप वो स्पीड तो नहीं अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो हम लोग प्लान करते हैं 120 तक ही मैक्सिमम स्पीड जा सकती है, और 80 वगैरह जो है नॉर्मली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और एवरेज स्पीड तो उससे कम ही आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि क्विक एक्सेलरेशन एंड क्विक डिसेलरेशन। जैसे गाड़ी स्टेशन पे आके खड़ी होनी है वो तुरंत खड़ी हो जाएगी, स्पीड अचानक उसका रिड्यूस होकर के वहाँ पर वो रुक जाएगी और फिर अचानक तेजी से चलेगी। इसके अलावा जो स्टेशन बनते हैं, जैसे एलिवेटेड स्टेशन होते हैं, तो दो तरह का मैंने ऑप्शन इसमें नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। वैसे होता है तीन तरह का ऑप्शन पॉसिबल है। एक है जो कि आप जहाँ पर इतना ज़्यादा कंजेशन है, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी इमारतें और सड़क वगैरह इतना कंजेस्टेड है कि वहाँ पर हमें एक अलग से ये मेट्रो लाइन ले जाना संभव नहीं है, या तो ज़मीन पे या फिर ज़मीन से ऊंचे, तो फिर वहाँ पर हम उसको टनल यानी सुरंग से नीचे ले जाते हैं, जमीन के नीचे। और यही चीज़ जो है शुरुआत में यही हुआ, लंदन में जो है पहला इसका इस्तेमाल किया गया, इसीलिए उसको वहाँ पर ट्यूब रेलवे भी बोलते हैं, क्योंकि सारे पहले अंडरग्राउंड ही होते थे मेट्रो के जितने होते थे। तो वहाँ पे जो है लंदन में इसका इस्तेमाल हुआ और अंडरग्राउंड वो ट्रेन्स वहाँ पर चली। लेकिन उसके अलावा हमें और भी पॉसिबिलिटी है कि एक एड ग्रेड, जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइंस जो हैं कई जगह पर अपग्रेड, मोस्टली अपग्रेड ही रहती हैं। जो रेलवे लाइन हमारी जो इंडिया में कहीं भी आप जाएं, तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे, कहने का मतलब जो पियर हो, खंभा हो और उसके ऊपर में कंक्रीट का वो बना हुआ हो और उसके ऊपर में पटरी के लिए बना हुआ हो चलने के लिए, ऐसा आपने रेलवे में बहुत कम ही देखा होगा, ना के बराबर होता है। तो जहाँ ब्रिज वगैरह होता है वहीं पर ब्रिज आता है, ब्रिज क्रॉस करने के लिए रिवर के लिए, तो वो उसको हम बोलते हैं एट ग्रेड। तो एट ग्रेड जो है इसमें दिक्कतें क्या होती हैं कि एट ग्रेड में आप डेडिकेटेड रखते हैं तो उसको आपको पूरा वो फेंस भी करना पड़ेगा,
ताकि ये लोग जो उसमें क्रिस क्रॉस नहीं कर पाए, कोई खतरा पैदा ना हो, ये सब के लिए उसको उनको प्रॉपरली फेंस करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो ट्रेन्स भी जो चलती हैं, अगर बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमें वो प्रॉपर फेंसिंग और पैसेज के लिए प्रॉपर रास्ता, कहीं पर एनिमल के पैसेज के लिए, कहीं पे लोगों के पैसेज के लिए, वो सब रास्ता देना जरूरी है क्रॉस पैसेज के लिए। तो जहां भी बहुत हाई स्पीड वाली बात आती है वहां पे फेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है अगर एट ग्रेड आप कर रहे हैं। लेकिन ग्रेड सेपरेशन अगर आप कर लेते हैं, दैट मीन्स अगर आप ऊंचा उठ जाते हैं जमीन से, तो फिर वो परेशानी खत्म हो जाती है और आप फिर एक डेडिकेटेड उसके लिए ट्रैक दे करके उस पर चला सकते हैं और गाड़ी स्पीड से चल सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो नॉर्मली जो मेट्रो रेल्स जो हमारे यहाँ बनती हैं वो सब या तो अंडरग्राउंड और या फिर एलिवेटेड होती हैं, और बीच में जो होता है वो ट्रांजिशन का एक पोर्शन होता है जिसमें कि वो अंडरग्राउंड से उठ करके एलिवेटेड में जाने वाला जो हिस्सा होता है, तो उसी को वो ट्रांजिशन होता है जो कि वहाँ पर वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपने देखा होगा, अगर कुछ लोगों को आपको मौका मिला होगा ट्रैवल करने का मेट्रो में, तो मेट्रो में जो व्यवस्था है वो पूरा वो एयर कंडीशन है, अच्छे मतलब कोचेज हैं, अच्छी मतलब मटेरियल अच्छा यूज किया हुआ है, लाइट मटेरियल यूज किया हुआ है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो एडवांस्ड है, ड्राइवर लेस टेक्नोलॉजी तक डेवलप कर दी गई है, आपका कंट्रोल जो है एक जगह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है जो कि डिपो के अंदर, जहाँ ये गाड़ियाँ मेंटेन करने के लिए जाती हैं, डिपो के अंदर जहाँ पर उसका वर्कशॉप्स होता है और जहाँ पर उनको स्टेबल भी किया जाता है, स्टेबल हालांकि दूसरे लोकेशन पर भी कर सकते हैं, वर्कशॉप में कोई जरूरी नहीं कि वर्कशॉप में किया जाए। देखिए जहाँ भी मतलब वो जो एक होता है जिसको ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि पूरा कंट्रोल का अरेंजमेंट होता है और इसमें वो स्काडा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें पूरी मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है ट्रेन्स की, उसमें पूरा वो नक्शा उसका दिखाई पड़ता है, उसमें कैसे ट्रैक्स कहाँ क्या है और कहाँ पर ट्रेन है अभी, वो सारा उसमें दिखाई पड़ता है, तो वहाँ से OCC से वहाँ से कंट्रोल होता है। और क्षमता ये होती है इंजन में कि वो जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो सेंसर्स हैं उससे वो सेंस करके जो वहाँ पर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा या सेफ्टी के लिए जो उसमें अरेंजमेंट होगा, वो अपने आप रुकने के लिए की क्षमता उसमें होती है अगर अनसेफ कंडीशन आ रहा है, और जो भी है वो जो ऑपरेशन जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से ही उसको ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेन जो है अपना वो ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी होती है, बिना ड्राइवर के वो चल सकती है, तो इस तरह से काफ़ी जो है मैनुअल इंटरवेंशन और ये सब कम कर दिया जाता है और सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद एट ए टाइम जो है, मान लीजिए 8 कोचेज जितने मतलब लोग हैं, जितने पैसेंजर्स हैं, अब उन पैसेंजर्स के लिए क्या किया जाएगा, पैसेंजर्स को जैसे आज के डेट में ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, उसके लिए आप ट्रैफिक सर्वे कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट जो नोडल पॉइंट्स हैं किसी भी सिटी में, वहाँ पर जो है वो उसकी लोग कैसे मूव करते हैं, क्या है पैटर्न है उनका, उस सबको स्टडी करके, और एक तरीका होता है उसको करने का। उसके बाद एक कंप्यूटर में मॉडल डेवलप करते हैं और उस मॉडल में हम जो है आगे फ्यूचर में सिनेरियोज क्रिएट करते हैं 5-5 साल के इंटरवल पे, कि इसे सपोज करिए 2030 के लिए मैंने कुछ प्रोडिक्शन किया है, तो 2035 में ट्रैफिक की क्या स्थिति रहेगी, उस हिसाब से उसका हर एक स्टेशन में वो पैसेंजर्स जो है वो डेली कितने पैसेंजर्स मूव होंगे और किस डायरेक्शन में कितने होंगे, क्योंकि डायरेक्शनल इफेक्ट भी आता है, और वो डायरेक्शनल इफेक्ट जो है दिन के समय में अलग अलग समय में अलग अलग होता है, तो जो पीक फ्लो होता है, पीक ट्रैफिक का फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन में है, वो टाइम उसकी अलग अलग होती है, और वो कितना पीक फ्लो होता है और एवरेज क्या पैसेंजर का फ्लो है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से क्या क्या सुविधाएं स्टेशन पे प्रोवाइड की जाएंगी, वो सारा कुछ जो है उसके उस पर आधारित होता है। उसके बाद कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आग लग जाए तो टनल के अंदर आग लग जाए या स्टेशन में आग लग जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे उस पर तुरंत नियंत्रण पाया जाए, कैसे
लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया जा सके बिना ज़्यादा हार्म के, तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनकी डिज़ाइन की जाती है और उसको जो है बकायदा उसका तरीका है सब चीज़ का डेवलप किया गया। उसके लिए कोड्स कुछ जो नियम है वो सब बनाए गए हैं कि इतना इससे ज़्यादा नहीं होगा या इससे कम नहीं होगा, ऐसे नॉर्म्स जो हैं वो सब सब फिक्स किए गए हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ में तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कंट्री का अपना इंडिविजुअल भी व्यवस्था होती है। तो जो है वो उनके अलग अलग इंडिविजुअल जो कंट्री का कोड होगा या फिर एक जो नेशनल इनका एसोसिएशन है वो कुछ फाइव नॉर्म्स और ये सारे चीज़ों के लिए वो उस पर गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम, तो जनता जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सके, जितना रिक्वायरमेंट है उतना उसको सुविधा प्रदान की जा सके हर समय में। तो ट्रेन कितने समय के इंटरवल पर चलेगी, शुरू में जब शुरुआत होगी तब कितने इंटरवल पर चलेगी, बाद में आगे जो है फ्यूचर में जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे कोच या कार्स की संख्या बढ़ाना या फिर उनका जो है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो सबके लिए लेड डाउन नॉर्म्स हैं और उसके हिसाब से उसको वो निर्णय लिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और ये सरकारें ही इसको कर सकती हैं। और लेकिन एक ही दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में जो है इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल वायबिलिटी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह ये सब बनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सरकारें जो है कभी कभी वो डंडी मारती हैं और रिपोर्ट ऐसा फेवरेबल बनवाने के लिए दबाव डाला जाता है कि उसको फाइनेंशियली वायबल बताया जाए, जो कि वास्तव में वैसा होता नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जैसे अभी श्रीलंका का जो हाल हुआ है उससे लोगों को सबक लेनी चाहिए। तो अनाप शनाप जो है लोन लेना और प्रोजेक्ट बनाना कोई बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है, नीड बेस्ड होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई छोटे से किसी टाउनशिप में भी वहाँ भी आप मेट्रो डाल दें, जहाँ की मेट्रो के भी, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर का जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि जयपुर में मेट्रो तो बना दिया लेकिन वो मेट्रो की उपयोगिता वहाँ पर उतनी अभी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ मेट्रो ही नहीं है, उसके बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस हैं और हर एक के लिए जो है वो नॉर्म्स हैं। तो वो नॉर्म्स जो है उसको साइंटिफिक वे में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक आपका ये मिल जाएगा बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टम यानी मेट्रो का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर दूसरा सिस्टम भी है। तो वो दूसरा सिस्टम क्या है जिसको कि एलएनटी ने बनवाया हुआ है, तो वो भी ओवरहेड ही मूवमेंट उसका होता है, लेकिन उसमें अंतर है कि वो अंतर क्या है कि वो जो है वो पटरी पर वो नहीं चलती है, वो गाड़ी चलती है कंक्रीट के ऊपर में, डायरेक्ट चलती है और उसके लिए वो बीम होता है, बीम के ऊपर में वो चलती है, बीम से ही गाइडेड होती है और जो उसका रास्ता जो बदला जाता है वो भी बीम का उसी का मूवमेंट करके उसे किया जाता है और उसके ऊपर जो है ये गाड़ी चलती है। न्यूमेटिक इसमें सिस्टम होता है और न्यूमेटिक गाइडेंस भी न्यूमेटिक होता है। तो ये सिस्टम हुआ। उसके बाद एक होता है जो कि आपका लाइट रेल ट्राम बोल सकते हैं उसको, लाइट रेल व्हीकल बोल सकते हैं, तो वो जो है लाइट होता है, कहने का मतलब उसमें जब पैसेंजर की रिक्वायरमेंट कम है तो फिर आप उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही मतलब सोच समझ के करने की चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो मोनोरेल की जो बात हो रही है जो कि बॉम्बे में, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो वो मोनोरेल इसलिए बोलते हैं कि वो बीम होता है बेसिकली कंक्रीट का और उसके ऊपर में
ये ट्रेन चलती है और उसके अंदर में खांचा बना रहता है, वो जो है अंदर उसमें घुसा रहता है। एक उसी का दूसरा सिस्टम होता है मोनोरेल का, जो कि हैंग करता हुआ भी होता है, जो कि ऊपर बीम होता है और नीचे उससे हैंग करता हुआ जो है वो चलता है। तो ये जो भी मोनोरेल वाला सिस्टम होता है, ये मोनोरेल वाला सिस्टम भी कुछ एरियाज के लिए बहुत ही सुटेबल है। ये 7 कर्वेचर, ज़्यादा 7 कर्वेचर निगोशिएट कर सकता है कंपेयर टू मेट्रो, लेकिन ये इसमें ट्रैफिक जो है आप उतना ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। तो जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक डिमांड नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ऐसी जगहों पर उसके हिसाब से हमको एक डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा मोड फॉलो किया जाए। इसमें एक और भी बहुत बड़ी चीज आती है, जो कि सिर्फ मतलब अभी तक तो मैं रेल की बात कर रहा था, तो रेल में इसलिए बात होती है कि मोनो रेल हो या ही हो, क्योंकि इसमें जो है जो एनर्जी जो है वो हमको हम ड्रॉ करते हैं ओवरहेड जो ट्रैक्शन है, या फिर नीचे जो एक पटरी होती है उस पटरी से बिजली हम सप्लाई करते हैं, वो उस बिजली से वो चलता है। तो बिजली बनाना जो है वो एक कहीं पर संयंत्र आप स्थापित कर सकते हैं, और उस संयंत्र में आप जो है ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रदूषण कम होगा। अगर अगर आप कोयला या यानी कोई फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो वो भी मतलब जो है उसमें ग्रीन गैस इफेक्ट वगैरह कम आएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा मास इसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बेटर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन ज़्यादा बेटर होगा वहाँ पे। तो एक तो उसका फायदा है, दूसरी चीज़ ये है कि फॉसिल फ्यूल को भी अब लोग जो है धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें फ्यूजन जो है वो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड वे में। लेकिन भैया कैन वी ब्रेक दिस सेशन इन टू पार्ट? बोलिए क्या ब्रेक करना है बताइए। नहीं मतलब जैसे अभी वी आर ऑलरेडी 20 मिनट्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, सो टुडे लेट अस ब्रेक इट। आई विल एंड हियर स्टार्ट नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड ऑल द यूज ऑफ दिस एंड द अदर मोड्स व्हिच आर लेफ्ट, सो आई विल टॉक अबाउट देम लाइक व्हाट वी डू ऑन रोड्स आल्सो वी आर डूइंग समथिंग, सो ऑल दोस थिंग्स I will discuss next in my next talk, okay? That can be done.